ये सर कन्हैया जी, मसालों की बात करें तो मसालों में ज्योतिष के हिसाब से क्या अपडेट है? हल्दी, धनिया, जीरा, किस मसाले में अभी क्या हलचल रह सकती है ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, यहाँ तक एस्ट्रो टेक्निकल का सवाल है, हल्दी के ऊपर हम अपना नजर अपना जो रुख है वो सकारात्मक रुख रखते हैं और उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। वो फंडामेंटल रीजंस इस तरह के हैं कि यदि नॉर्मल हम देखें कि लगभग 1 लाख बोरी का उत्पादन लगभग हर साल अमूनन हल्दी में देखा जाता है और हल्दी के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 4-5 साल से हल्दी के अंदर कोई बहुत अच्छी बड़ी तेजी ना किसानों को मिली है ना व्यापारियों को मिली है। तो ये व्यापारी और किसान हल्दी के अंदर कोई अच्छा मुनाफा नहीं मिलने की वजह से थोड़े थक से गए हैं। तो यही वजह रही कि इस बार किसानों ने हल्दी के बजाय सोयाबीन और मक्का को तरदीब दी और उसके उसका उत्पाद उसका बिजाई ज्यादा हुई और हल्दी की बिजाई थोड़ी कम हुई। और हल्दी के ऊपर एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि जो दिसंबर जनवरी की तेज के जो मौसम प्रतिकूल रहा उससे भी हल्दी की क्वालिटी के अंदर थोड़ा फर्क आया और उसमें उत्पादन का उतारा भी कम बैठा, साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी जो हल्दी की जो फिंगर्स हैं यानी गांठे हैं वो साइज में भी छोटी हुई, तो इससे भी हल्दी का फर्क पड़ा और जो उत्पादन है वो लगभग 65 से 70 लाख बोरी का उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि जो हर साल जो 1 लाख बोरी होती थी उसमें करीबन 25 से 30% का उत्पादन भी कम है और जो भारत की जो हल्दी की जो खपत है यानी कंजम्पशन है और जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट करीबन 1.20 यानी करीबन 1 करोड़ 20 लाख बोरी की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के यही का हम नजर आए क्योंकि उत्पादन कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और खासकर जो पेंडेमिक रही कोविड के अंदर उसके अंदर भी हल्दी का जो उपयोग अधिक माना गया क्योंकि भारतीय जो आयुर्वेद पद्धति है या भारतीय लोग जो है वो हल्दी को एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल मानते हैं और वो उससे बीमारियों को रोकथाम करने में मदद मिलती है, ऐसा भारतीयों का मानना है और ऐसा होता भी है। इसी वजह से हल्दी का की जो प्रयोग है वो भी नॉर्मल सालों के बनस्पत अधिक होने का रहा, लेकिन ये इन सब के बावजूद भी ये हमेशा कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी हो वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कमोडिटी के रेट बढ़ते हैं, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। अभी हम पिछले साल कुछ उदाहरण देखें कि पिछले साल प्याज का उत्पादन बहुत शानदार था लेकिन वही अक्टूबर पास आते प्याज का दाम जो 600 रुपए क्विंटल से 3200 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह से कपास देखें कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो पिछले साल 2021 के अंदर कॉटन की जो घोषणा की थी 3 करोड़ 61 लाख गांठे, उसका भी उसके बावजूद भी कपास के भाव डबल से ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा सोयाबीन पे भी आप देखिए, तो कुल मिला के सारी चीजें देखिए तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अक्सर विपरीत सा देखा जाता है। हल्दी के अंदर भी यही हो रहा है कि पिछले 2-3 सप्ताह से हल्दी के दामों के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा और जो पिछले साल की हल्दी है वो भी ग्राउंड रियलिटी यह है कि इन्होंने वो धीरे धीरे निपट चुकी है। लगभग 80 से 90% लोग पिछली पूछा जो प्रीवियस स्टॉक है जो ओपनिंग स्टॉक इस साल का रहा वो भी तकरीबन समाप्ति की ओर है। उत्पादन कम है, रिक्वायरमेंट अच्छी है, पुराना स्टॉक समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी हल्दी में तेजी नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर ये एक समय ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा धैर्य से काम किया जाए तो इसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है, इसमें संभावना अच्छी है। हल्दी के ऊपर एक बहुत तेजी होने की संभावना है लेकिन उससे पहले एक बड़ी के मंदी के भी झटके लग सकते हैं, उसके लिए भी हम विशेष मसालों पर एक विशेष शो करेंगे मार्केट टाइम्स में। वो मेरा सभी दर्शकों से दरखास्त है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि वो भी जरूर देखें। तो महत्वपूर्ण यही रहेगा कि हल्दी के जो व्यापारी हैं, जो मसाले के व्यापारी हैं, उनको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। साथ साथ आपने पूछा था जीरा और हल्दी, जीरा और धनिया, देखो जीरे और धनिए के अंदर बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा है। जीरे में अपनी शानदार मूवमेंट दी 6500 का धनिया 13000 से ऊपर भी था, जीरे का 12 से 13000 का जीरा 21000 से 22000 तक पहुंचा। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर देखिए एक जब एक लेवल तक आ जाती है तो उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूरी होती है, वो भी वो है। तो जैसे कि कर्नल अजय जी बता रहे हैं कि हल्दी
हल्दी में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से उन्होंने हल्दी के फंडामेंटल्स बताए हैं कि सोइंग हो गई और मौसम हो गया, जो कि काफ़ी बड़ा अहम किरदार निभाता है किसी भी कृषि फसल में, मौसम हो गया, फिर आवके हो गई, क्वालिटी हो गई, तो इन सब के मद्देनज़र कर्नल अजय जी के मुताबिक जो हल्दी है, हल्दी में आगे तेजी ही देखने को मिलेगी। हल्दी में जो फंडामेंटल्स हैं वो तेजी के वाले यानी मजबूती वाले ही बन रहे हैं और आगे हल्दी की जो कीमतें हैं उनमें अच्छी तेजी बनती नज़र आ सकती है। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि आवकें ज़्यादा हैं मंडियों के अंदर, फिर दूसरा ये जो ऊपरी स्तर देखने को मिले हैं हर एक मसालों में, जो अचानक से महंगाई का उछाल आया है खाद्य पदार्थों में, तो उसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर जो लेवाल है हर किसी कमोडिटी का वो कम हुआ है। जी कर्नल अजय जी, अब हल्दी के अलावा बाकी मसालों में क्या रुझान है? देखिए बाकी मसाले जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जीरा हल्दी के अंदर, जीरा और धनिये के अंदर उतार चढ़ाव की संभावना इंटरडे में बनती है, लेकिन कुछ कुल मिला के फंडामेंटल मजबूत है, तो लेकिन जो खासकर जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको सावधानी रखनी चाहिए। जी